हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक मास है जो कि 1.0 पे रखा है, दूसरा मास आपको रखना है -3a.0 पे, सच दैट इन दोनों का सिस्टम जो बन रहा है उसका सेंटर ऑफ मास 0.0 पे हो, तो उसके लिए इस मास की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है डियर स्टूडेंट? सेंटर ऑफ मास वो पोजिशन है वेयर मास मोमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल्स, मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, नेट मास मोमेंट इज़ ज़ीरो, वेयर नेट मास मोमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल्स इज़ ज़ीरो, राइट। तो यानी कि इसका मास मल्टीप्लाई बाय ये वाला डिस्टेंस इज़ इक्वल्स टू इसका मास मल्टीप्लाई बाई योर डिस्टेंस इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, और जो डिस्टेंस लिखेंगे ना वो साइन के साथ पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूँगा एम डैश मल्टीप्लाई बाई -3a और प्लस एम इंटू ए इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये मास मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस इक्वल्स टू ये मास मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस, ऐसे भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है ना। वेक्टर में लिखेंगे तो साइन लिखना पड़ेगा और इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे, अदरवाइज हम ऐसे लिखेंगे मास मल्टीप्लाई बाय उसके सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। तो पहला मास सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस पे है, ए पे है, दूसरा मास और उसकी सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस है, 3a। तो यहाँ पे ऐसे साइन नहीं पुट करना, अगर आप इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो आपको साइन के साथ पुट करना है डिस्टेंस को, अदरवाइज नहीं पुट करना, ये चीज़ ध्यान रखना। दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, जो भी आपको कम्फर्ट हो, अल्टीमेटली दोनों सेम ही हैं। तो m डैश इंटू -3a इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, -ma। अब माइनस और माइनस कैंसिल ही हो जाना है, तो m डैश क्या आ जाना है, m डैश आएगा आपका m a अपॉन 3a, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो m डैश की वैल्यू आपको m/3 मिल जाएगी। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू।